शाळेतील मुलामुलींना ऑफलाईन व ऑनलाईन या दोन्ही प्रकारे जर त्रास होत असेल किंवा होणार असेल तर त्यावर काय उपाययोजना करता येईल यासाठी सायबर गुन्हे विभागाकडून पोलीस रेजिंग डे राबवत शाळेत जनजागृती करण्यात आली. शालेय मुलामुलींसाठी आयोजित या सेमिनारमध्ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सअपचा आधार घेऊन गुन्हा करणाऱ्यांबद्दल विस्तृत माहिती देण्यात आली. 18 वर्षाखालील मुला व मुलींचे शोषण होऊ नये यासाठी हे शिबिर आयोजित करण्यात आलं होतं. अशाच प्रकारे इतर शाळेत जाऊन दिवसेंदिवस वाढत असलेल्या सायबर गुन्ह्यांशी विद्यार्थ्यांना अवगत करून त्यांच्या जनजागृती करण्याचा विडा नागपूर सायबर गुन्हे विभागाने उचलला असल्याचं सहाय्यक पोलीस अधिकारी केशव वाघ यांनी सांगितलं. विद्यार्थ्यांनीही या शिबिराला भरघोस प्रतिसाद देत या शिबिरातून सायबर गुन्ह्यांशी कसे दोन हात करायचे हे शिकल्याचे सांगितले. शाळेमधील मुलामुलींना ऑफलाईन आणि ऑनलाईन दोन्ही प्रकारे जर त्रास होत असेल किंवा होईल तर त्यावर काय आपण करायला पाहिजे यासंबंधी आम्ही या ठिकाणी एक सेमिनार घेतलेला आहे. विनालया स्कूलमध्ये मुला आणि मुलींसाठी हा सेमिनार होता आणि येथील मुलामुलींनी चांगला प्रतिसाद त्यासाठी दिलेला आहे आणि एक चांगला सेमिनार इथं आयोजित करण्यात आला. ऑफलाईनमध्ये कसं होतं, कधीकधी बाहेर काही मुलं भेटतात आणि ते एखाद्या मुलीला किंवा मुलाला नंबर मागू शकतात आणि ते नंबर मागितल्याच्या नंतर त्याचा ते एक दुरुपयोग करायला सुरू करतात. त्यांना व्हॉट्सअपवरून कॉलिंग करणे, मुलींचा व्हिडिओ आपल्याकडे ठेवणे, त्यांच्याशी नकोशी चॅटिंग करणे आणि जर अशी चॅटिंग होत असेल तर त्या मुलीला समजत नाही की आपण काय करायला पाहिजे. तर एक वेळेस एखाद्या मुलीने जर त्याला जर समोरच्या व्यक्तीला सांगितलं की मला तुझ्याशी बोलायचं नाही तर त्यानंतर जर तो चॅटिंग तिच्याशी करत असेल तिच्या इच्छेच्या विरुद्ध तर ती येऊन पोलीस स्टेशनला तक्रार करू शकते किंवा ती सायबरलासुद्धा येऊन आमच्याकडे माहिती देऊ शकते. यासाठी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सअप या तिन्हीबद्दलसुद्धा आम्ही याच प्रकारे माहिती दिलेली आहे आणि ती विद्यार्थ्यासाठी अतिशय कामाची माहिती आहे. 18 वर्षाखालील मुलं आणि मुलींचे शोषण होऊ नये याकरिता खास हा शाळेसाठी वेबिनार होता. नागपूरमध्ये आत्ताच थोड्या वेळापूर्वी आम्ही केवलरमणी स्कूल या ठिकाणी जाऊन आलेले आहो, आता विनालया स्कूलमध्ये, तसेच आज एकूण 8 ठिकाणी हा अशाच प्रकारचा कार्यक्रम सुरू आहे आमचा. प्रत्येक शाळेमध्ये जाऊन तेथील विद्यार्थिनी यांच्याशी संवाद साधून त्यांना सायबर गुन्ह्याविषयी जनजागृती करण्यात येत आहे. मेरा नाम जिया है, मैं विनालया स्कूल में पढ़ती हूँ. आज हमारे स्कूल में साइबर क्राइम के बारे में बताया गया था. सर केशव वाघ ने हमें इस बारे में सूचना दी है. साइबर क्राइम जो हमें टेक्नोलॉजी से हार्म होता है उस बारे में है. कई बार ऐसा होता है कि हम अपने कुछ फ़ोटोज़ और बहुत सारी चीज़ें हम सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं जिसके कारण हमें हार्म होता है. बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स रहते हैं और कभी कभार लड़कियों के साथ जब वो कोई अपने फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं तो कोई ज़्यादातर बॉयज़ हमारे जैसे फ़ोटोज़ को हमें वो धमकाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. तो हमें अपने हम जो भी कर रहे हैं, जो भी हम अपने फ़ोटोज़ हम अपलोड कर रहे हैं, हमें उसके लिए सिक्योरिटी बनाए रखनी पड़ती है कि हमको कोई वो ना करे. और हाँ, और जो हम लोग कभी कोई भी हमें लिंक आती है, जैसे किसी भी लिंक को हमको बिना उसके बारे में जानकारी दिए हमें उससे टच नहीं करना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है ना उसमें. कभी कभार जैसे अभी बीच में मैं अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ. मुझे ही व्हाट्सएप पे एक लिंक आई थी कि इस पे टच कीजिए तो आपको वो पैसे मिलेंगे करके. तो कभी कभार जब हमारे पेरेंट्स भी हमें वो रखते हैं कि बेटा ऐसी लिंक आए तो हम टच नहीं करना चाहिए, तो बस यही सब. और कभी कभार गेम्स पर भी ऐसा होता है कि आप इतने रुपए में ऐसा होगा. आप लोग कई बार हम लोग अपनी कुछ भी अकाउंट का नंबर वंबर पापा से बिना पूछे डाल लेते हैं तो वो लोग हमें हैक कर लेते हैं, ऐसा कई बार होता है. तो बस यही हमें आज अपने केशव वाघ सर ने हमें स्कूल में बताया था. मेरा नाम सिमरन जेठवानी है और आज हमारे स्कूल में साइबर क्राइम से कुछ इंस्पेक्टर्स आए थे जिन्होंने हमें आज के समय में जो सिचुएशन चल रही है उसके बारे में हमें अवेयरनेस कराई गई थी. तो आज के समय में जैसे हम सब देख सकते हैं कि विद पर्सनल साइंस तो हमें साइब
इंटरनेट के दौरान भी हमें बहुत क्राइम्स के वो झेलने पड़ रहे हैं। अभी हर क्राइम एकदम फिजिकल नहीं होता, जैसे चोर चराकी वैसी नहीं होती। आजकल बहुत क्राइम ऐसे भी होते हैं जो ऑनलाइन किए जाते हैं, और ऑनलाइन से बहुत क्राइम वो हमारे बहुत नुकसानदायक, ऐसे में क्राइम्स जो रहते हैं, जो ऑनलाइन शॉपिंग में भी बहुत ऐसे क्राइम्स किए जाते हैं जो हमें पता भी नहीं रहता, और हमारे बैंक से पैसे निकाले जाते हैं। और बहुत क्राइम्स ऐसे गर्ल्स के कारण, गर्ल्स के लिए भी होए करते हैं, जो बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं जो क्या बोलते हैं उसको, किसी की भी फ़ोटोज़ लेके फिर उसको परेशान करते हैं गर्ल्स को, उनको बता भी नहीं सकते। ऐसे में हमें ये करना चाहिए कि गर्ल्स को किसी अपनी फ़ोटोज़ किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर इससे उन्हीं की फैमिली को इफ़ेक्ट हो सकता है। और हमें हमारी पर्सनल डिटेल्स किसी के साथ शेयर भी नहीं करनी चाहिए ऑनलाइन, क्योंकि वो हमें इफ़ेक्ट भी कर सकता है। तो आज वही हमारे स्कूल में आके सर ने हमें इसी सब चीज़ के बारे में अवेयर किया है।